हेलो एवरीवन, वेलकम विद माय न्यू रेसिपी, जिसमें आज हम बनाएंगे मिल्क केक, जिसे कलाकंद भी कहते हैं। और इस मिल्क केक में होगा वही बाजार वाला लुक और स्वाद। मिल्क केक बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। अगर आपके पास गाय या भैंस का ताज़ा दूध हो तो वो सबसे अच्छा है, वरना आप मेरे तरह पैकेट का भी ले सकते हैं। इसे हम हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे। अब मिल्क केक बनाने के लिए हमें और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी देख लेते हैं। इसके लिए हमने ली है 1 कप चीनी, लगभग 100 ग्राम, ये खुशबू के लिए इलायची पाउडर, ये 1 नींबू का रस और ये 4 टेबलस्पून देसी घी। देखिए मिल्क बॉईल होने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं, बस ध्यान रहे मिल्क कढ़ाई से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूध को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसे हमने हाई फ्लेम पर बनाना है। हाई फ्लेम पर बनाने से मिल्क केक बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनता है। दूध को हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक यह एकदम रबड़ी के जैसे गाढ़ा नहीं हो जाता। और जो कढ़ाई के साइड में जो मलाई चिपकती है उसे भी हम कड़छी या पलटे से छुड़ाते रहेंगे। ये देखिए ये गाढ़ा होने लगा है। हम इसे थोड़ा और चलाते रहेंगे जब तक ये रबड़ी की जैसे ना हो जाए। ये एकदम रबड़ी जैसा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें नींबू रस डालेंगे। नींबू रस में हम बराबर मात्रा में पानी मिला लेंगे। नींबू रस हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बीच बीच में कड़छी को चलाते रहना है। गैस का फ्लेम हम कम कर लेंगे। नींबू रस डालने से मिल्क थोड़ा फटने लगता है और यह दानेदार हो जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब इसे ऐसे ही चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। जब यह थोड़ा और गाढ़ा हो जाए तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा, कम पसंद है तो कम चीनी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम चीनी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। चीनी डालते समय हम गैस का फ्लेम हाई पर रखेंगे ताकि दूध का टेम्परेचर कम ना होने पाए, क्योंकि चीनी डालने से यह थोड़ा ठंडा हो जाता है, जिसके कारण दानेदार नहीं बनेगा और मिल्क केक तो होता ही दानेदार और सॉफ्ट है। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। इस बात का खासकर ध्यान रखें कि हमने इसे छोड़ना नहीं है बल्कि लगातार चलाते रहना है। हमने इसे तब तक चलाना है जब तक यह जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता, और इसे हमने ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, वरना मिल्क केक एकदम हार्ड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी प्रत्येक रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब यह गाढ़ा होने लगे अब इसमें हम 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। ये मिल्क केक का सबसे ज़रूरी और मेन स्टेप है। मिल्क केक में घी डालने से इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर उड़ जाता है, यानी जो एक्स्ट्रा नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण हम मिल्क केक को 10 से 15 दिनों तक रूम टेम्परेचर पर आसानी से रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होता। जब यह गाढ़ा होने लगे तभी इसको जमाने के लिए बर्तन तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक मोटे पैंदे का कोई बर्तन लेंगे और उसे घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा मिल्क केक इसमें चिपके नहीं, और बीच बीच में कड़छी को भी चलाते रहें। देखिए दूध एकदम गाढ़ा हो गया है और यह पककर तैयार है। अब हम मिल्क केक को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर और इसे थोड़ी देर और चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से पक गया है और जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे पहले से तैयार किए हुए इस बर्तन में निकाल लेंगे। ध्यान रहे इसे हमने एकदम गर्म गर्म ही जमाना है, इसको ठंडा नहीं होने देना है। इसको हमने अच्छे से सेट करके एक प्लेट में कवर कर देना है।
और इसे किसी मोटे कपड़े से या टॉवल से ढककर रख देना है। ऐसा करने से यह एकदम गर्म गर्म होने की वजह से अंदर से हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा, जो कि मिल्क केक का नेचुरल कलर होता है और यह देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम 8 से 10 घंटे इसे ऐसे ही जमने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसके पीस कट करेंगे। मिल्क केक को जमाए हुए 10 घंटे हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से जम गया है। अब हम मिल्क केक को बर्तन से बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसे बर्तन की साइड से छुड़ा लेंगे। हमने इसे सावधानी से छुड़ाना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये टूटना नहीं चाहिए। अब हम इसे बर्तन के पैंदे में से छुड़ाने के लिए इसे गैस पर हल्का गर्म करेंगे। हमने बर्तन को घी से ग्रीस किया हुआ था। गर्म करने से घी पिघल जाएगा और फिर मिल्क केक आसानी से बाहर आ जाएगा। ध्यान रहे हमने इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, केवल हल्का सा ही गर्म करना है, लगभग 4-5 सेकेंड। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हटा लेंगे। अब हम इसे किसी ट्रे या प्लेट में निकाल लेंगे। इसके लिए हम बर्तन को उल्टा करके रखेंगे और इसको हल्का थपथपाएंगे। ऐसा करने से यह आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देखिए मिल्क केक दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसके पीस कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको बड़े बड़े पीस में कट कर सकते हैं या नॉर्मल स्वीट साइज में। हम इसके स्वीट साइज पीस कट करेंगे। अब मैं आपको इसका एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये बाहर से एकदम सफ़ेद और अंदर से हल्का ब्राउन है, ये इसका नेचुरल कलर होता है। मिल्क केक को हम जितना जल्दी गर्मा गर्म जमाएंगे ये उतना ही ज़्यादा अंदर से ब्राउन बनेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।